रूस का यूक्रेन पर बड़ा अटैक सामने आया है। हमले में यूक्रेन की 3 नौका तबाह हो गई हैं। ये हमला किया गया रूस द्वारा स्नेक द्वीप के पास, स्नेक आइलैंड के पास ये घातक हमला किया गया। अमेरिका में बनी विलाड सी नौका को नष्ट किया गया और यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया रूस द्वारा। तो एक तरफ लगातार यूक्रेन की तरफ से कहा यह जा रहा है कि डेली डिक्लेरेशन में भी रूस का नाम होना चाहिए था, जवाबदेही तय होनी चाहिए थी। रूस यूक्रेन युद्ध का नाम नहीं लिया गया, लेकिन उन तमाम मुद्दों को जरूर एड्रेस किया गया जो मुद्दे उपजे हैं रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कैसे हमले में यूक्रेन की 3 नौका तबाह हुई हैं जो अमेरिका द्वारा दी गई थी। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं योगेश जी, लेकिन इंडिया के इसी रुख की G20 समिट में ज्वाइंट डिक्लेरेशन में, डेली डिक्लेरेशन में जिस बात का जिक्र है कि यूक्रेन के संदर्भ में रूस का जिक्र नहीं किया गया है, इसी रुख की तारीफ भी हो रही है, उसकी डिप्लोमेसी का डंका भी बज रहा है कि उसने चीन को एक सख्त मैसेज भी दे दिया, रूस को नाराज नहीं किया और अमेरिका भी खुश नजर आ रहा है। तो ये भी सब में सामंजस्य स्थापित करके एक ऐसा जॉइंट डिक्लेरेशन लाया जाए जिससे कोई नाराज ना हो, ये भी तो अपने आप में एक बड़ा काम था। देखिए मैं जो है यूनाइटेड नेशंस में मैंने कई साल काम किया, मैं भारत के जो परमानेंट मिशन है यूनाइटेड नेशंस में उनके साथ भी था जी। तो यूनाइटेड नेशंस में जो नेगोशिएशंस होती है उनकी यही खूबी है होती है जो आपने अभी बताई कि हमें डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट स्टैंड्स को जो है उसको मद्देनजर रखते हुए कॉमन डिनोमिनेटर डिस्टिल करना पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ करना पड़ता है जैसा ये अब हुआ है, क्योंकि अगर हम यूक्रेन का नाम लेते वहाँ पर तो वो क्या बोलते हैं वेस्ट वाले कंट्रीज को एक्सेप्टेबल नहीं था। और अब जो अगर हमने नाम नहीं लिया है तो ज़ेलेंस्की फिर भी नाखुश हो गया, लग रहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रूस की वो ठहरानी चाहिए। डायरेक्ट मैसेजिंग है।